हमारे पास मीन देर का है 18, बताना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है, हमें बताना है कि यहां पर क्या आने वाला है, इसका वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। हमारे पास देर का है ग्रुप, ग्रुप देर का है आपके 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। और यहां पर है भाई आपके फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, F 5 and 4। अब हमें इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, हमें F भी दे रखा है, तो मतलब वो मीन दे रखा है। अब मीन से फाइंड करना है तो पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा। अब मीन के लिए हमें यहां पर इसको एफ आई, अब हमें लेना है एक्स आई सेंटर वैल्यू। 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 12 आता है। अब लगातार 2 का गैप है तो 2 ऐड करते रहेंगे या इनका सेंटर वैल्यू लेंगे, इनके बीच में कौन सा नंबर आता है वो हमें लेना है। तो ये है 14, 16, 18 और 20, 22 और 24, ये नंबर आते हैं। अब मीन आपका 18 है और हमें यहां पर एफ का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो हमें क्या करना है, कुछ एज्यूम मानना है। हम क्या करते हैं कि इसको ए ले लेते हैं, माना कि मीन ए हो सकता है, लेकिन है ऑलरेडी लिखा हुआ, हम इसी को हम क्या करते हैं ए मान लेते हैं। अगर आप यहां पर यू आई फाइंड करते हो तो ये आता है 0, ये आएगा -1, -2, -3, इधर आएगा +1, +2, +3। और अगर मैं यहां पर एफ आई यू आई निकालता हूं, मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 9 1 जा 9, 0 का 0, F into 1 F, 5 into 2 10 और 4 3 जा 12। आप चाहो इसको थोड़ा कम भी हटा सकते हो, इस लाइन को चाहो थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो, मतलब इसको मैं यहां लिख देता हूँ, थोड़ा गैप बढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसकी टोटल कितना है पहले वो देखेंगे हम, 13 और 9 22, 22 और 22 = 44 प्लस F। अब ये वाला करेंगे तो अब यहां पर हमें देखो जोड़ करना है, सिंपल सा है, इनको हम ऐड करते हैं, 9 to 11 + 1 होता है 42 हो गया, 42 माइनस का और प्लस का 22, फिर आपके प्लस का F। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, माइनस करने पर आएगा F एंड माइनस का 20, क्योंकि F तो प्लस का है, 20 आपके माइनस का है। अब हमें यहां पर लेना है मीन, मीन का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा F आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब मीन कितना है, मीन हमारे पास देर का यहां पर 18, हमने कितना एज्यूम किया 18, सिग्मा एफ आई यू आई ये देर का है माइनस का 20 और 20 और ये देर कितना है F माइनस 20, ये वाला F माइनस 20, सिग्मा एफ आई मतलब ये टोटल 44 प्लस F इंटू एच, कितना गैप है 2 का गैप। अब देखो ये और ये कट जाता है आपस में, 18 से 18 कैंसिल, 0 बचेगा क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है ना, इसलिए कट जाएगा, 0 बचेगा, या इधर लाकर घटा दो, 18 - 18 0 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इधर लाएंगे, देखो ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा आपके डिवाइड में,
इज इक्वल टू एफ माइनस 20। जीरो को किससे भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, ये आएगा आपके जीरो इज इक्वल टू एफ माइनस 20। अब ये माइनस का इधर भी प्लस हो जाएगा और एफ का वैल्यू आपके आने वाला है 20 और ये आने वाला है इसका आंसर।